के बारे में, इट्स मैड अबाउट डांस, बट इसमें बहुत सारी दूसरी स्टोरीज हैं. जैसे जो हम काफ़ी स्टूडेंट्स इंडिया के बाहर जाके पढ़ते हैं, तो उनकी लाइफ वहाँ कैसे होती है, कैसे वो स्ट्रगल करते हैं और कितने टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं वहाँ पर. क्योंकि कोई बहुत सारे लोग इंडिया छोड़ के 70s या 80s में जा चुके हैं. जब वहाँ जाते हैं तो वही साल में रहते हैं. अगर 80s में गए तो 80s में ही रहेंगे. उनके बेटे बेटियाँ बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम यहाँ पब जाएँ या मंदिर जाएँ. तो ऐसे काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर्स है फिल्म में. और ओवरऑल अंडरडॉग की स्टोरी है. एक अंडरडॉग है जो बहुत पैशनेट है डांस के बारे में. तो अपने गुरु को मिलने वो UK जाता है, पर वहाँ जाके रियलाइज़ करता है कि इतना आसान नहीं है. फिर उसको कैसे अपना खुद का क्रू बना के लड़ना पड़ता है और सारी चीज़ें होती हैं. थैंक यू. इंस्पायर हुई है? बिल्कुल हुई है. मेरे खुद से इंस्पायर हुई. मैं UK में पढ़ता था खुद, शेफील्ड में इनफैक्ट, जहाँ पे शूट हुआ था. वहाँ पे मेरे साथ एक दो ऐसे इंसिडेंट हुए थे जब मुझसे पूछा गया था कि तुम कहाँ से हो. तो मैंने कहा मैं इंडिया से हूँ. तो शॉक हो गए थे काफ़ी कि इंडियन लोग ऐसे डांस नहीं कर सकते. वो चीज़ मेरे को कहीं पर टच हुई काफ़ी. और मैंने सोचा कि मैं ये फिल्म के ज़रिए बताऊंगा कि हम ये सब कर सकते हैं. हम क्यों नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं. I've never done a dance battle before, so it was very, very different for me, even though I've trained in many, many different styles of dance. And I'm just very lucky and very proud of this film. To be involved in such a film is a dream for me. एक्चुअली सबके लिए टफ था, क्योंकि जो स्टाइल की डांसिंग हमने की है वो बॉक्सिंग की तरह है. जब आप बॉक्सिंग देखते हैं तो एक दूसरे के साथ खड़े होकर बॉक्सिंग करते हैं, वैसे टाइप की डांसिंग है कि आप एक क्रू सामने हैं और एक क्रू इधर है, दोनों लड़ते हैं. तो ये एक स्टेप करता है, फिर ये एक स्टेप करता है, फिर ये उससे बेटर करता है, फिर उससे बेटर करता है. तो जुगलबंदी जो होती है वो चालू रहती है. इसे डांस बैटल कहते हैं. तो ये चीज़ हमने एक्सप्लोर की हमारी फिल्म में कि हम अपना क्रू बना के जाते हैं और आगे से दूसरा क्रू आता है और हम लड़ते हैं स्टेज पर जाकर या बीच में रोड पे किधर भी लड़ते हैं. और जो क्राउड होता है, जैसे आप जैसे लोग, वो डिसाइड करते हैं कि बेहतर क्रू कौन सा. So it's really exciting to watch, you know. It's not just a stage performance where you're just the audience and you're watching. Like there's so much going on, so much crowd interaction. मैं सबको यही कहता हूँ कि अगर आप कोई भी वॉर फिल्म देखो इंडिया की या एक्शन फिल्म देखो, जैसे JP दत्ता ने बॉर्डर बनाया, फरहान अख्तर ने लक्ष्य बनाया, दोनों वॉर फिल्म हैं, आप उनको सेम कभी नहीं करोगे. सिमिलरली उसने डांसिंग बनाई है, उन्होंने, मैंने भी एक डांसिंग बनाई है. इसका मतलब ये नहीं कि दोनों सेम हैं. उसके पहले स्टेप अप ने बनाई, स्टेप अप के पहले भी कई लोगों ने बनाई. तो आई थिंक ये जॉनर है जो हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं एज इंडियंस. इंडिया के लोग अभी अभी बनाना चालू कर रहे हैं, तो हम लोग लेट हैं, हमें बहुत पहले चालू कर रहे हैं. तो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ इधर है. दूसरी, हमारे फिल्म में डांसिंग बहुत अच्छे लेवल का. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे इंडिया में अच्छा लेवल होता नहीं. मैं ये कह रहा हूँ कि हमने सब ने कोशिश की है कि आप लोग को कुछ नया दिखाएं, कुछ नई टाइप की डांसिंग है. तो वो डांसिंग वाइज तो बहुत सारे ट्रीट्स हैं. और उस म्यूज़िक है, क्योंकि जो हमारी एल्बम रिलीज़ हुई है उस, दैट इज़, उसमें हमने सिर्फ इंडियन गाने डाले, बट फिल्म के अंदर और 10 गाने हैं जो बहुत हिप हॉप, डब स्टेप, ट्रैप, ये सारी चीज़ें हैं जो जिसपे हम डांस करें.